का नाम लेकर सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया है कि बस टर्मिनल के उद्घाटन के दौरान सीएम गहलोत ने संबोधन में ये बात कही कि कुछ लोग कहते हैं कि पेपर लीक का मुआवजा मिलना चाहिए। अब ऐसी मांग को तो बुद्धि का दिवालियापन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जबकि विपक्ष ने नहीं उठाई थी मुआवजे देने की कोई मांग। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि हमारी ओर से नहीं उठाई गई मुआवजे की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा के दौरान मुआवजा देने की बात कही थी और ऐसे में चल पड़ा है चर्चाओं का दौर। अंदर उन्होंने किया इंतजाम, तब कहां कलेक्टरों ने और सब लोगों ने मिलकर के रहने की व्यवस्था भी हो गई, खाने की व्यवस्था। 26,000 लोगों को आप अचानक हर जिले में रुकवा दो और पेपर आउट हो गया। पेपर आउट हो गया तो जो अच्छा काम किया वो तो पीछे हो गया। पेपर आउट तो 15 तो हो गए होंगे गुजरात के अंदर, 22 हो गए होंगे यूपी के अंदर, कहां नहीं हो रहे हैं। पर हमारे यहां कानून हमने बनाया है, जुलम हम बेच रहे लोगों को, 200 लोगों को जेल भेजा हुआ हम लोगों ने। कहां भेजा, किस राज्य में भेजा है? अब विपक्ष के बारे में बात नहीं है तो फिर वो पेपर आउट की बात करेंगे और कहेंगे कि मुआवजा दो, जो घर वो 26,00,000 लोग बैठे हैं इनको मुआवजा भी दो। ऐसी मांग की जाती है कि पेपर आउट हो गया इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बताइए आप इसको क्या कहेंगे, बुद्धि का दिवालियापन नहीं कहेंगे इसको? इनको मुआवजा दो। दुनिया के इतिहास में किसी ने मांग करी है क्या कि भाई पेपर आउट हो गया कहीं पर तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे एग्जाम नहीं दे पाए हैं इनको मुआवजा दो? दे सकती सरकार? आप बताइए, ऐसी नहीं मांगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान के बाद बड़ी चर्चाएं हो रही है और इस पर हमारे सहयोगी अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये एक निशाना साधा है उसके बाद चर्चाओं का दौर जारी है क्योंकि कोई नाम मुख्यमंत्री ने इसमें नहीं लिया। जी बिल्कुल, देखिए मेरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो बयान दिया गया उसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष की ओर से डिमांड की गई, लेकिन देखिए विपक्ष की ओर से ये जरूर कहा गया था कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उसकी जांच की जाए, लेकिन उनकी ओर से ये नहीं कहा गया था कि मुआवजा है वो दिया जाए। जबकि पिछले दिनों जब जनसंघर्ष यात्रा हुई उस दौरान सचिन पायलट की ओर से ये जो बयान है वो दिया गया था, जब उन्होंने सभा को संबोधित किया तो उन्होंने कहा था कि जिन विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है उनको जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। और इसके जो वीडियो है वो आज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जिस तरीके से उनका बयान आया उसके बाद से सचिन पायलट का ये जो बयान था जो उन्होंने स्टेज पर कहा, हजारों लोगों के बीच में कहा कि स्टूडेंट को मुआवजा है वो मिलना चाहिए, ऐसे में मुख्यमंत्री ने हालांकि सचिन पायलट का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने विपक्ष का नाम लिया था। और जब विपक्ष से हमारी बात हुई, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारी ओर से इस संबंध में ऐसी कोई डिमांड नहीं की गई थी। और पिछले दिनों जनसंघर्ष यात्रा के दौरान सचिन पायलट ने ये बात कही थी जिसका वीडियो भी जो है वो सामने आ चुका है और इसलिए शायद अब ये बयान जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर भी अब ये वायरल है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए।